नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, नए वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियां, रुपए पैसे, धन संपदा लेकर आए। मां लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल बरसे। दोस्तों, 1 जनवरी नए साल के दिन खाना है आपको 3 चीज। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, गरीबी भूल जाएगी, घर का रास्ता। दोस्तों, आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, साल 2024 में पूरे साल बरसेगा धन, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। रुपया पैसा गिनने के लिए नौकर रखना पड़ेगा। दुनिया का हर अमीर व्यक्ति नए साल पर ये चीज़ जरूर खा लेता है। अगर आप भी ये चीज़ खाते हैं तो अपनी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे, करोड़पति बनते हुए आपको देर नहीं लगेगी। दोस्तों, ये वीडियो अपने फायदे के लिए एक बार जरूर पूरा देखना, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आपको जिस चीज़ की तलाश है, जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं, वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। मात्र पल भर में ही आप धन दौलत रुपए पैसे से मालामाल हो जाओगे। यदि अक्सर आप भी परेशान रहते हैं, धन तो बहुत आता है पर रुक नहीं पाता, एक बीमारी आती है कि दूसरी शुरू हो जाती है, परेशानियों का पहाड़ आपके ऊपर गिर गया, तो ऐसे में आपको मात्र नए साल के दिन ये एक चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। फिर आप देखना, देखते ही देखते आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियों का वास हो जाएगा। आप पल भर में ही कई ऐसे बुलंदियों को छू लेंगे जिसकी आप आशा रखते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं, जो आप अपने इष्ट देवता से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हम तमाम तरह के उपाय करते रहते हैं, टोने टोटके करते रहते हैं ताकि हमारे घर में धन का आगमन बड़ी तेजी से हो जाए, धन लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, श्री हरि का वास हो जाए। आप जिसे भी मानते हैं, आप यही प्रार्थना उनसे करते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर में धन का वास हो जाए और मैं हर वो चीज़ हासिल कर सकूं जिसके लिए मेरा परिवार सुखी और संपन्न रहे, जिसके लिए मेरा परिवार तरसता है, जिसके लिए मेरे बच्चे भूखे हैं। ऐसे में आप भगवान के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं, तरह तरह के आप जतन करते हैं, खुद को कष्ट देते हैं, वो बात अलग है। ईश्वर के सामने रोने और चिल्लाने से ईश्वर अवश्य सुनते हैं, लेकिन बहुत देर से सुनते हैं, पर सुनते जरूर हैं। लेकिन आज हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, उस उपाय को करने से ईश्वर आपकी पुकार सुनेंगे ही और आपको धन दौलत से मालामाल भी कर देंगे, आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण करेंगे। मात्र नए साल के दिन आपको ये एक चीज जरूर खाना है, पूरे परिवार को आपको ये एक चीज जरूर खिलाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इससे आपका नया साल बहुत ही अच्छा बीतेगा। 2024 में आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे नए साल के दिन खा लेने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत, धनी होने से, करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखें, नए साल के दिन घर के हर एक व्यक्ति को स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आपने इस समय भी किसी कारणवश अगर नहीं कर लिया सुबह सुबह, तो आप गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव अवश्य मार लें। अब जानिए उपाय, तांबे के लोटे में जल डालिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए। इसमें आप 2-4 तुलसी के पत्ते डालिए, तुलसी आप पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं। अब इसमें थोड़े से मिश्री के टुकड़े डालिए और थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध डालिए। अब इसे जल में 5 प्रकार की ये जो आपने डाले हैं मेवा भी डालिए। मेवे में जैसे किशमिश है, काजू है, छुहारा है और एक लाल पुष्प भी डालें। ध्यान से सुनिएगा, ये जल नहीं अमृत है, स्वयं जगत पिता भगवान इस जल को ग्रहण किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराजाओं ने युद्ध के समय तथा सफलता प्राप्त करने के लिए, बलवान बनने के लिए, दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, बलशाली बनने के लिए इसी जल को ग्रहण करते थे। इसके बारे में मैं आपको एक कथा भी बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, नए साल की शुरुआत में सामग्री से भरा तांबा का जल ईश्वर के समीप आपको रख देना है, अर्पित कर देना है, क्योंकि ये भोग 33 कोटि देवी देवताओं को अतिप्रिय है। तो आपके भोग स्वरूप अर्पित करना है और जोरों शोरों के साथ घर
में शंख बजाइए, ईश्वर को जगाइए, घंटी बजाएं, धूप दीप जलाएं तथा आरती करें, पूजा पाठ, अंत में प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ इसी जल को ग्रहण करना है। एक दो चम्मच जल घर के एक सदस्य को पिलाएं, तुलसी के पत्ते और मेवा खाएं और ये सभी कार्य मैं अवश्य करता हूँ। हमारे परिवार में वो सभी लोग इसी जल को ग्रहण अवश्य करते हैं। दोस्तों फिर आप देखना, आपके जीवन में कभी भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। आप बड़े से बड़े काम आसानी से आपके निपटा लेंगे। आपके मन में जो भी इच्छा होगी सभी इच्छाओं को ये पूर्ण करेगा। मान लीजिए आपको नौकरी पाना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, पढ़ाई में मन लगाना है, नज़र दोष, पितृ दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है, साढ़े साथी शनि की ढैया भी समाप्त हो जाती है। बड़े से बड़ा हारा हुआ व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, वो करोड़पति हो जाता है, धनवान हो जाता है। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ऐसे में अगर आप नए साल के दिन अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं तो इसी जल को ग्रहण करें, आप 100% कामयाब हो जाओगे। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। देखिए तांबे के इस जल में गंगा जल पड़ा हुआ है, जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जी जीवों के मात्र कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। वहीं गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ, यज्ञ मंत्र और देवा चरण आदि समस्त शुभ कार्यों में जीव को वो गति नहीं मिलती जो गंगा जल सेवन से प्राप्त होता है। दूसरा, इसमें तुलसी पत्र मिला हुआ है। तुलसी में कई हजार गुना देवी गुण पाए जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि मात्र तुलसी का एक पत्ता खा लेने से तमाम तरह की नकारात्मकता व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करती। तुलसी माता की कृपा से व्यक्ति वो सभी इच्छाओं को पा लेता है जो उसे चाहिए होता है। तुलसी माता धन प्रदान करती है, धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। तीसरा, इसमें पंचमेवा होता है। शास्त्रों में पांच रंग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पंचमेवा भगवान के भोग में अवश्य अर्पित की जाती है। मेवा बल बुद्धि प्रदान करती है, शरीर में खूबसूरत बनाती है, कोमल बनाती है, शक्ति प्रदान करती है। पंचमेवा में काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, खोपड़ा जो कि पंचमेवा होते हैं। चौथा, इसमें गाय का दूध होता है। शास्त्रों के अनुसार किसी विशिष्ट पूजा पाठ में जब आप जप तप करते हैं और गाय का दूध जब तक नहीं होता तो वह पूजा सफल नहीं माना जाता। गाय का दूध 33 कोटि देवी देवताओं को अतिप्रिय है। इसमें गाय का दूध होने के कारण 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गाय के दूध से शक्ति प्राप्त होती है, शरीर बलवान होता है और ताकत प्राप्त होती है, इसीलिए महादेव को गाय का दूध अतिप्रिय है। पांचवा, इसमें मिश्री होती है। मिली मिश्री जो होती है मन में मिठास भरती है, रिश्तों में मिठास बढ़ाती है। मिश्री जो होती है वो भगवान को भोग लगती है। किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो आप उसे मिश्री जरूर खिलाएं, इससे रिश्ते जुड़ते हैं। दोस्तों अगर आपने ये उपाय नए साल के दिन कर लिया तो ये कार्य कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से, मालामाल बनने से नहीं रोक सकती। आपका जीवन संपूर्ण और सफल हो जाएगा। आप जहाँ भी जाओगे हमेशा सफल ही रहोगे। धन दौलत आपके आगे पीछे घूमेगी। नए साल पर आप फल जरूर खा लेना, जैसे सीताफल खा सकते हैं। सीताफल खाने से माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। नए साल के दिन आप फल में सीताफल खा लेना, साथ ही अंगूर खा लेना। लाल वाला मिल जाए तो लाल वाला अंगूर खा लेना, लाल वाला ना मिल जाए तो हरा वाला अंगूर ही खा लेना। साथ ही साथ आप केले खा लेना, सेब खा लेना, अंगूर खा लेना। और दोस्तों आपको बता दें कि आप नए साल के दिन खीर जरूर खा लेना। खीर माता लक्ष्मी जी को पहले भोग लगा दें, खीर में पंचमेवा मिला दें, खीर को अच्छी तरह से आप बनाकर फिर आप माता लक्ष्मी की भोग लगाएं, फिर आप इस खीर का श्रवण यानी सेवन करें और पूरे घर परिवार को भी इसका सेवन कराइए। एक एक चम्मच, एक एक कटोरी जरूर खाइए, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों नए साल के दिन आप जैसे कि हरा वाला अंगूर या फिर लाल वाला अंगूर खा लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, इसलिए ये चीज़ें जरूर खा लें। चाहे तो आप खीरा वगैरह भी खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको नए साल के दिन सिंघाड़े की बनकर रोटी भी खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं। लेकिन भूलकर भी नए साल के दिन आप पत्तेदार गोभी वाली सब्जी, मांस मछली, मटन, अंडे वगैरह का सेवन ना करें। साथ ही गोभी जो बंद गोभी होती है और कुमड़ा वगैरह का सेवन ना करें। लहसुन प्याज का सेवन नए साल के दिन भूलकर भी ना करें। जी हाँ दोस्तों नए साल के दिन आपको फल खा लेना है, सेब वगैरह खा लेना है, यानी कि जो उत्तम फल है, पपीता वगैरह खा लेना है जो फल में श्रेष्ठ है, खीरा वगैरह खा लेना है।
आलू के बहुत से लोग पकौड़े भी बनाकर खा सकते हैं, ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।